हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। फिर से मैं वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी हो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करेंगे, ठीक है। यानी कि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको SSC की तरफ से आपको यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी कि हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस है वो हम करेंगे, जिसके अंदर बात करने वाले हैं कि अपकमिंग जो आपकी SSC की जो यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल यहाँ पर जो सूचना है वो आपको मिल रही है कि जो आपकी SSC की तरफ से आपको परमानेंट जो स्टाफ की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बात करते हैं, आपको कंप्लीट आपको पैरामेडिकल पोस्ट रहेंगी जिसमें सभी पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, तो एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहें। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जिसमें लेवल 1 यानी कि 10th और 12th की यहाँ पर पोस्ट आपको दी गई है। हम बात करेंगे ग्रेजुएट और डिप्लोमा के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लेवल 2 के अंदर आपको 12th+ आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वही कैंडिडेट क्या कर सकते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 3rd के अंदर देख लीजिए लेवल 3 के अंदर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग प्लस आपको टैक्स आपको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए PR10 की आपको टीचर की वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। फार्मासिस्ट की आपकी वैकेंसी रहेगी, टीचर की आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, स्टाफ नर्स की यहाँ पर वैकेंसी आपकी रहने वाली है, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी जो नर्सिंग की पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए आपको लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर आपको पास फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, आयुष योग सहायक की आपको पोस्ट दी गई है, ठीक है। उसके बाद में योगा टीचर की पोस्ट दी गई है, आपको प्राइमरी टीचर की आपको यहाँ पर PRT की पोस्ट दी गई है, TGT की आपको दी गई है, ठीक है। स्टेटिकल असिस्टेंट की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है, सब काफ़ी सारी यहाँ पोस्ट है। तो डायरेक्टली चलते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको दी गई है, ANM की पोस्ट भी आपको यहाँ पर रहने वाली है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये देख लीजिए काफ़ी नर्सिंग फील्ड से जितने भी आपको पोस्ट आपको दी गई हैं ये सारी आपको मेडिकल फील्ड से आपको दी गई हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देख लीजिए LDC लाइब्रेरियन TGT यानी कि आपको टीचर की बड़ी मात्रा में यहाँ पर पोस्ट आपको यानी कि SSC की तरफ से आपको यहाँ पर एक न्यूज है वो आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट की अगर हम यहाँ पर जो बात है वो करने वाले हैं तो आपकी 3000+ आपके यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके 3000+ पोस्ट आपके यहाँ पर रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ आपके कब से एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा GNM कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आप सभी को मैं बता दूँ, सभी जो ANM के लिए आपको ANM कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, फार्मासिस्ट के लिए आपको फार्मेसी और DMLT यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए आपको DMLT और अगर फार्मासिस्ट का आप कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मेसी की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो परमानेंट आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपकी सैलरी रहेगी 60,000 रुपये से लेकर 7,000 तक आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके या तो मान लीजिए 2024 के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे SSC की तरफ से। बाकी डिटेल में अपडेट मैं आपको दोबारा से लेके आऊँगा, जल्दी अपडेट लेकर आऊँगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।